वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके सबसे फेवरेट डायलिन शो इटर्नल हेल्थ पे। यहाँ आप हमें फोन करते हैं और हम आपके सॉल्यूशन ढूंढते हैं आयुर्वेद में। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात जानना चाहूंगी जी, कि पित्त की गड़बड़ी की वजह से या फिर पित्त को गुस्सा आ जाने की वजह से हमें किस तरह के, किस प्रकार के और कितने रोग हो सकते हैं? काफी रोग होते हैं, जैसे वात से तो 80 प्रकार के होते हैं, इसलिए वात का सबसे ज्यादा महत्व हमारे यहाँ पर है। पित्त से 40 प्रकार के रोग होते हैं, 40 टाइप्स ऑफ डिजीजेस आर कॉज्ड बाय एग्रीवेशन ऑफ पित्त। इसमें मुख्य रूप से जितने भी रोग होते हैं, जैसे कि स्किन डिजीज, आपने देखा होगा कितने प्रकार के एक्जिमा, फोड़े, फिंसी, एक्ने, पिंपल्स, ये सारे जो हैं, ये सब क्योंकि जलन होती है ना सब में। डॉक्टर साहब, ये पिंपल्स, एक्ने, इनसे तो बहुत लोग पीड़ित होते हैं। लेट्स सी हमारे नेक्स्ट कॉलर की क्या प्रॉब्लम है। जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे शो में। आपका नाम? जी, मेरा नाम योगेश है। योगेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं हस्तिनापुर से बात कर रहा हूँ। हस्तिनापुर से? जी हाँ, हस्तिनापुर का। आपका स्वागत है, आपका सवाल? जी, मुझे परेशानी ये है कि मेरे 7 वर्षों से जी लगातार मेरे बाल गिर रहे हैं। अच्छा। और सर पर रूसी बहुत ज्यादा। और जो है, अब ये जो रूसी है उसकी वजह मुझे नहीं पता चल रही है, वो पेट की तकलीफ से है या उस सर की जो मेरी जो त्वचा है जी वो खराब है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस बारे में आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आपकी उम्र कितनी है अभी? जी, मेरी उम्र अभी है 26 वर्ष। 26 केवल? बाल सफेद भी हो रहे हैं क्या कुछ थोड़े? जी नहीं, सफेद नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, इसमें जो है दो चीजें आपकी मुख्य रूप से इसको कॉज करती हैं। जो रूसी आपने कही जी हाँ, उसमें आपको जो स्काल्प है, आपका सिर है, उसमें थोड़ी जलन होती है, खुजली होती है क्या? खुजली बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, ठीक है। फिर आपका कारण यही पित्त ही है। इसमें एक ही कारण है कि जब भी बाल गिरता है तो पित्त, जो अग्नि जो है हमारी जी हाँ, शरीर में जो फायर होती है, जब ये पित्त बढ़कर के बाल का जो रूट होता है जी हाँ, जहां पर के हमारा जो उसका न्यूट्रिशन, जो उसका पोषण है जी हाँ, उसको जाके जला देता है। अच्छा। और वो जल जाता है तो बाल गिरना शुरू हो जाता है फिर जी हाँ। तो हमारे यहाँ पर इसके बहुत ही सफल चिकित्सा इसमें है आयुर्वेद की। और एक चीज आप तुरंत शुरू करिए, आंवला जो है, आंवला अगर ताजा मिलता है तो ताजा 2 आंवले रोज खाइए, और अगर ताजा सीजन नहीं है तो सूखे आंवले का चूर्ण आप रख लीजिए, एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को। हमारे जीवनानंद प्रोग्राम में भी हम ये बताते हैं आंवले का सेवन। जी, जी, जी। तो आंवले का सेवन आप शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ जो है सिर में आप थोड़ा सा जो है तेल लगाइए। हाँ। तेल लगाने का इसमें क्या बेनिफिट होता है कि जो बाल के रूट में एक नेचुरल ऑयल बनना शुरू होता है जो कि पित्त से वो नष्ट हो जाता है जी हाँ, तो ऊपर से तेल आएगा तो उसमें फिर पोषण शुरू होगा। कौन सा तेल लगाना चाहिए, कोई स्पेसिफिक तेल? नारियल का, सरसों का? ऐसे तो हम जो, क्योंकि अगर पित्त का है तो नारियल का तेल बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। वो कूलिंग होता है। कौन सा? या और भी कुछ नहीं तो आप एक अपना तेल बना लीजिए। 1 पाव नारियल के तेल में आप थोड़ा सा जो है मोटा मोटा सा आंवला वो कूट करके उसमें पका लीजिए तो आंवले का, आंवले का तेल बन जाएगा आपको। जी, जी, उसमें फिर छान करके रख लीजिए उसको, तो वो तेल लगा सकते हैं। और जो आपने रूसी की वाली जो बात बताई, इसके लिए आपको मैं एक सिंपल सी तरीका बताता हूँ कि नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उससे आप सिर को धोएंगे तो रूसी उससे नष्ट होगी। और एक हम और बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बताया करते हैं कि मेथी जो होती है, हाँ जी, मेथी दाना, उसका पाउडर जो है आप कर लीजिए और रात को दही में भिगो दीजिए, हाँ, और सुबह उस दही से आप बालों को धोएंगे तो उससे भी आपका डैंड्रफ, रूसी सब एकदम से गायब हो जाएगा। हाँ जी। तो ये आप जो है जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, पित्त को शांत रखिए हाँ। खाने पीने में पित्तवर्धक चीजें, गर्म चीजें, जो आपकी तली चीजें, अचार, मिर्ची, खटाई, चाय, कॉफी, अल्कोहल, इसका सेवन मत करिए। तो इससे आपके बालों में, मैं ये कह सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर आपको जो है बाल गिरने रुक जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब। लास्ट कॉलर के बाद एक सवाल मेरे मन में उठा है जी। मेरे ख्याल से शायद ये जो है पित्त प्रकृति वाले इंसान हैं। पित्त प्रकृति के हो भी सकते हैं और पित्त का प्रकोप भी हो सकता है। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं जी, ये आपने जो प्रश्न किया इसको मैं बता दूं कि पित्त प्रकृति वाले लोगों का जो बिल्टअप होता है वो मीडियम होता है। अच्छा। उनके जो है थोड़ा सा पाचन बहुत तेज होता है उनका, भूख बहुत ज्यादा लगती है उनको, उनका गुस्सा भी बड़ा तेज होता है। अच्छा। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन एक गुण और भी होता है उनमें कि उनके दिमाग में कोई भी आइडिया आ जाए तो उसमें तुरंत एक्शन लेते हैं वो। अच्छा।
अच्छा, ऐसा नहीं कि कल करेंगे, मंडे से करेंगे, ये तो कफ वाले करते हैं ऐसे। अच्छा। लेकिन पित्त वाले जब तक वो पूरा नहीं करते उनको नींद नहीं आती है। तो मतलब पर्सनालिटी टाइप, पर्सनालिटी टाइप जो है, जो है कि जो पित्त टाइप के जो लोग होंगे उनको ऐसी टेंडेंसी रहती है कि अगर मान लो उनको प्रकृति अपनी नहीं मालूम तो उससे क्या होगा कि वो हो सकता है कि वो पित्त वाले ही भोजन ज्यादा खा रहे हैं। हाँ जी। प्रकृति का अर्थ होता है कि कुछ लोग दे आर बॉर्न विद डोमिनेंस ऑफ पित्त इन देयर बॉडी। जैसे वात प्रकृति है तो उनके बॉडी में वात की अधिकता होती है जन्म से ही, वो माता पिता से आती है, जेनेटिक है वो। जेनेटिक। कफ वालों में जो है कफ की अधिकता होती है। तो पित्त प्रकृति के जो पुरुष होते हैं उनमें इस तरह के गुण होते हैं, उनके इमोशंस में एंगर, एक जेलसी भी होती है उनके अंदर बड़ी। अच्छा। जेलस बड़ी जल्दी हो जाते हैं दूसरे के। लेकिन बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है उनके अंदर लीडरशिप की जी। जहाँ चार पांच लोग, कई बार देखा होगा आपने, बात कर रहे होंगे तो एक आदमी डोमिनेट करने की कोशिश करता है चाहे उसको टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, तो ये पित्त का गुण है। क्यों? अग्नि है ना, अग्नि ऊपर आएगी आएगी जी। तो वो डोमिनेंस का उनमें होता है, इसलिए अच्छे लीडर्स बनते हैं। और वो पॉलिटिक्स भी अच्छी जानते हैं, पॉलिटिशियंस अच्छे बनते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे होते हैं वो। तो इस तरह से हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो ये वात पित्त कफ है इनके प्रकृतियों के गुण भी बड़े अच्छे दिए हुए हैं जी। और इसके बारे में और डिटेल अगर दर्शक जानना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.jeeva.com, उस पर हमने बहुत विस्तार से लिखा है कि हर व्यक्ति अपना वहाँ टेस्ट भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो गुण भी अपने जान सकते हैं कि किस प्रकृति में क्या गुण है और उसके साथ साथ क्या उनको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि अधिकतर लोग जो बीमार होते हैं उनका मुख्य कारण यही होता है कि वो अपनी प्रकृति जानते ही नहीं, दे डोंट नो अबाउट देयर ओन फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। मेंटल की तो बात छोड़िए, बजर बज गया है, इसको थोड़ा सा समय की कमी। और आपका एक स्पेशल टिप भी। हाँ, मैं इसलिए कंक्लूड करता हूँ कि अपनी प्रकृति को जरूर पहचानना चाहिए, उसके मुताबिक ही हमें जो है भोजन, अपना लाइफस्टाइल, अपना प्रोफेशन भी। कई लोग जो है रॉन्ग प्रोफेशन में होते हैं। अगर पित्त प्रकृति वाले को आप डेस्क वर्क देंगे तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा जी। क्योंकि वो टिक कर नहीं बैठना चाहता, उसको कुछ एक्शन चाहिए, उसको आप प्रोजेक्ट दीजिए, उसको आप डेडलाइन दीजिए, उसको मजा आता है उसमें, उसको आप कोई टारगेट दीजिए, मार्केटिंग में ले जाइए उसको, सेल्स में ले जाइए, तो ही विल डू ए वेरी गुड जॉब देयर। लेकिन अगर उसको आपने एक ऐसा काम दे दिया कि जहां कुछ एक्शन नहीं है तो वो बीमार हो जाएगा, डिप्रेशन। तो इसलिए मैं दर्शकों को कहूंगा कि अपनी प्रकृति को समझिए, उसके अनुसार आप अपना खान पान, अपना जॉब, प्रोफेशन, इवन पार्टनर भी अपने प्रकृति के अनुसार चुनना चाहिए ताकि आपके लाइफ में हमेशा आनंद रहे, सुख रहे और जो है किसी प्रकार का कोई भी जो है रोग आपके पास नहीं आए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि इस एपिसोड में आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी है आयुर्वेद के बारे में जी। और ये भी हमें समझाया है कि हमें बचपन से ही अपनी प्रकृति को जान लेना चाहिए ताकि उसी के हिसाब से हम अपना प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ को बना सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। मैं जानती हूँ जाने का मन नहीं कर रहा, पर समय की कमी है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और आपके हर सवाल को आयुर्वेद का सलूशन मिलेगा। हमारा नंबर है 01294088152। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, हमारा पता ये है, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jeeva.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jeeva.com। और गाइड फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और आपके सवालों और आपके फोन कॉल्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारा नंबर और पता तो आप जानते ही हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।